नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का बाजार शास्त्र में। मैं हूँ प्रियंका उप्पल आनंद। बहुत बार होता है कि हम किसी चीज को देखते हैं, उसे समझ भी लेते हैं और फॉलो भी कर लेते हैं, लेकिन अगर ये रूल इतना आसान है तो ये स्ट्रेट रूल मार्केट में क्यों नहीं लागू हो पाता? क्यों हमारी अंतरात्मा उस वक्त हमें नहीं कहती किसी शेयर को खरीदने के लिए जब उसका दाम लो होता है? क्यों हम उसे तभी खरीदते हैं जब वो पहले ही चढ़ चुका होता है? क्या वाकई ये इत्तेफाक है या फिर इन इत्तेफाकों के पीछे छुपी कोई ऐसी गलतियां, ऐसी बातें जिन्हें हम नजरअंदाज कर रहे हैं? इन्हीं सब प्रश्नों का, इन्हीं सब क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे शो के एक्सपर्ट सुनील मिग्नानी मौजूद हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत आपका बाजार शास्त्र में। क्या वाकई इत्तेफाक है? मैं ऐसा सोचती हूँ या फिर सभी ऐसा सोचते हैं कि अगर मुझे कोई शेयर खरीदना है, मार्केट में पैसा लगाना है, तो मैं शेयर को तब खरीदती हूँ जब वो पहले ही चढ़ चुका होता है। आपने जो बात उठाया है वो बहुत ही सारे लोगों के साथ होता है। जब भी कोई आदमी कोई स्टॉक लेता है, सबसे पहले वो स्टॉक उसका नीचे जाता है। आप किसी आदमी से बात कर लीजिए, दो आदमियों से, 100 आदमियों से, 1000 आदमियों से, जिससे मर्जी बात कर लीजिए, वो बोलेगा सर मैंने लिया और गिर गया, मैंने लिया और गिर गया, और मैंने बेचा और बढ़ गया। शायद ये सभी के साथ होता है। ये सभी के साथ होता है, हर बार होता है। अब आप सोचिए, एक आदमी यहां पर है, एक आदमी दूर बैठा है चेन्नई में, एक आदमी मुंबई में बैठा है, कोई कहीं पे भी बैठा है, कैसे भी काम कर रहा है, कैसे भी ट्रेड कर रहा है, उसके लेते ही वो स्टॉक नीचे जाए, जैसे कि बस इंतजार हो रहा था उसके लेने का, और जैसे उसने लिया और वो नीचे। वाकई ये सवाल हम सबके मन में उठता है कि शायद मार्केट इंतजार कर रही थी कि मैं खरीदूं और स्टॉक गिर जाए। हमारे पास कई लोग आते हैं, वो बोलते हैं सर मैंने बेट लगा के शेयर लिया कि शेयर नीचे जाएगा और मैं बेट जीत गया। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इस मार्केट में हर आदमी के साथ रोज होती हैं। लगभग जो स्टॉक आपने लिया होगा वो कभी ऊपर नहीं जाएगा, सारी मार्केट आपके सामने ऊपर चली जाएगी, वो स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। यानी मार्केट 400 पॉइंट चढ़ गई और जिस शेयर में मैं इन्वेस्टेड हूँ, जिस शेयर को मैंने अपनी जिसमें पोजीशन लिया, वो वही का वही है या फिर नीचे है? सारी मार्केट ऊपर जाएगी, सुजलोन नहीं चलेगा। सारी मार्केट ऊपर जाएगी, पोंजलॉर्ड नहीं चलेगा, क्योंकि वो आपके पास है, क्योंकि उसकी होल्डिंग आपके पास है। आप 400 पॉइंट नहीं, आप 4000 पॉइंट मार्केट ऊपर जाएगा, ना आपका स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। आपने जब भी किसी स्टॉक में प्रॉफिट बनाया वो बहुत छोटा होगा, और जब भी लॉस बनाया वो बहुत बड़ा होगा। शायद 4 दिन लग जाते हैं थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करने में और एक डील में वो लॉस में चला जाता है। ऐसी सिचुएशन वाकई बहुत सारे लोगों के साथ होती है। हम आपको वो बातें बता रहे हैं जो हर आदमी के साथ हर रोज होती हैं, डेली काम करते हुए। जब भी मार्केट ऊपर जा रहा होगा सारा अच्छा न्यूज आ रहा होगा, हर कंपनी को ऑर्डर मिल रहे होंगे, हर कंपनी को फायदा हो रहा होगा, एफआईज बाइंग भी कर रहे होंगे। जब मार्केट नीचे आ रहा होगा सारा खराब खबर आएगा, किसी को फॉरेस्ट का लॉस हो जाएगा, किसी कंपनी पे रेट पड़ जाएगी, कुछ हो जाएगा, सारा खराब खबर उसी समय आएगा जिस समय मार्केट नीचे जा रही होगी। इतनी सारी चीजें आप सोचिए हर आदमी के साथ रोज होती हैं, तो क्या वो इत्तफाक हो सकता है? एक काम अगर एक बार आपके साथ हो और उसके बाद ना हो, एक काम किसी और के साथ हो उसके बाद ना हो, तो मान सकते हैं। एक काम हर आदमी के साथ हर रोज हो रहा है, क्या वो इत्तफाक हो सकता है? क्या उसको हम चांस कह सकते हैं? क्या ये कह सकते हैं कि ये चांस है? मैंने शेयर लिया तो भी गिर जाता है, आप लेते हैं तो भी गिर जाता है, वो लेता है तो भी गिर जाता है, वो लेता है तो भी गिर जाता है, लेते ही गिरता है। मैं आपको बता रहा हूं, हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं, बोलते हैं सर हमारे पीछे कैमरा लगा हुआ है, मुझको देखता रहता है, कोई मुझको ही देख रहा है, मेरे को ही पीछे पड़ा है कोई मेरे। जी, यानी मार्केट मुझे वॉच कर रही है, मैं क्या मूव चलता हूँ, और उसके बाद उसके ऑपोजिट हो जाती है। कोई कहीं भी स्टॉप लॉस लगा दे उसका जरूर कटेगा। वाकई एक स्टॉक को खरीदा, स्टॉप लॉस चूज कर लिया, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो गया, स्टॉक ऊपर चढ़ा ही नहीं। सैकड़ों साल से ये मार्केट चल रहा है, जो भी लोग इस मार्केट में काम कर रहे हैं उनके ये एक्सपीरियंसेस हैं एक्चुअली, कि रोज उनके साथ हो रहे हैं। तो जब रोज उनके साथ जो काम हो रहा है, क्या वो इत्तफाक हो सकता है? क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं पता? और ऐसी अनछुपी बातें उन्हीं को ढूंढने की, उन्हीं का समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे हमारे इस शो बाजार शास्त्र में। तो वाकई सुनील जी, अगर आप कह रहे हो कि ये सब इत्तफाक नहीं है, इनके पीछे हमारी गलतियां, आप कह रहे हैं हमारी गलतियां भी हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो मार्केट के सेट रूल्स होते हैं। देखिए, हर बिजनेस के सिंपल रूल्स होते हैं। आप कोई भी बिजनेस करने जाते हैं, इस मार्केट में लोगों को रूल पता नहीं होते, उनको सिस्टम पता नहीं होता, उनको मालूम नहीं है वो क्यों ले रहे हैं, उनको मालूम नहीं है वो क्यों बेच रहे हैं। एक नॉर्मल आदमी जो नॉर्मल इन्वेस्टर है, वो इस मार्केट में जुआ समझता है, सोचता है सट्टा हो रहा है यहाँ पे। आप किसी से भी बात कर लीजिए, वो बोलेगा जुआ होता है मार्केट में, यहाँ सट्टा होता है,
यहाँ पर कुछ पता नहीं होता, कभी ऊपर चला जाता है अपनी मर्जी से, कभी नीचे आ जाता है। यानी आमतौर पर अगर हम किसी को सुन लेते हैं, चाहे हमारे वो नेबर हो, बिजनेस एसोसिएट हो, दोस्त हो, किसी को सुना कि उसने इस शेयर में पोजिशन ली, खरीदारी की और उसे फायदा हुआ, तो मैं भी खरीद लेता हूँ। हमारा मानना ये है कि आप जो भी काम बिना जानकारी के, बिना समझ के, बिना नॉलेज के करते हैं, वो आपके लिए जुआ हो जाता है। एक आदमी हमारे पास आता है, वो कहता है सर मैं स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ लेकिन मुझे पैसे नहीं बने आज तक। तो हम उससे पूछते हैं कि आपको पैसे क्यों नहीं बने, आप बाकी क्या करते, और क्या करते हैं इसके अलावा? तो वो बोलता है हमारा ये बिजनेस है। तो हम उससे फिर क्वेश्चन पूछते हैं कि कितना समय हुआ आपको बिजनेस करते हुए? वो बोल रहे हैं मेरे फादर का बिजनेस है, 25 साल हो गए, 30 साल। फिर हम उससे पूछते हैं कितना कैपिटल लगाया आपने? उसने हमें कैपिटल बता दिया, इतना कैपिटल लगाया। फिर हम उससे पूछते हैं कि क्या रिटर्न कमाते हैं आप उस पर? तो वो हमें रिटर्न बताता है सर मेरा साल का 20-25% निकल जाता है, खर्चे वर्चे जो भी है हमारे काट के। अब हम पूछते हैं अब इधर आ जाइए, कितना समय हुआ यहाँ काम करते? उसके पास जवाब होता है सर अभी 1 साल हुआ है। कितना कैपिटल लगाया है? सर 2 लाख रुपये। क्या कमाना चाहते हो? आंसर मिल जाता है, क्योंकि वहां पर 25 साल के एक्सपीरियंस के बाद सारा नॉलेज है उसको, पूरा समझ है उसके पास, अपने कॉम्पिटिटर के बराबर का उसके पास सोच है, पूरा कैपिटल लगा हुआ है, हर चीज़ है। उसके बाद वो पूरे साल में उस कैपिटल पे 20-25% का रिटर्न कमाता है और यहाँ वो 2 लाख के 4 लाख बनाना चाहता है। साल में 20% आपके अपने बिजनेस से और शेयर मार्केट में 20% रिटर्न शायद 1 महीने में या फिर उससे भी ज्यादा एक्सपेक्ट करते लोग तो रोज कमाना चाहते हैं। लोग तो कहते हैं मैंने अभी शेयर लिया है 100 रुपए का, 120 का बेचूंगा शाम को। उसको नहीं पता 100 पे 120 जो होते हैं 20% होता है। आप कोई भी चीज को बिजनेस के तरीके से करेंगे उसमें आपको जेन्युइन रिटर्न आएगा, बिजनेस जितना बिजनेस में आता है। यानी सवाल बहुत सारे हैं सुनील जी, इनके जवाब ढूंढने की हम यहाँ कोशिश करें। और एक बड़ा सवाल जो अभी मेरे जहन में आ रहा है, शायद बहुत सारे लोगों के जहन में आ रहा होगा, कि इसे हम जुआ समझते हैं, ये जुआ नहीं है तो क्या है, ये भी जानेंगे। सुनील जी से इस पर भी बात होगी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस हाजिर होते हैं। आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए बाजार शास्त्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं बाजार शास्त्र और मेरे साथ सुनील मिंगनानी बने हुए हैं। आप शेयर बाजार में किस तरह से होनी चाहिए रणनीति, इसी पर चर्चा करने के लिए। सुनील जी, अभी तक आप जो मुझे बहुत सारे सवाल आपने मेरे जहन में उठा दिए हैं, जाहिर सी बात है हमारे व्यूवर्स भी अब यही सोचने लगे कि शायद यही सारी बातें उनके साथ रोज हो रही हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल आपने हमारे दिमाग में छोड़ दिया कि शेयर बाजार एक जुआ नहीं है, जहाँ 90% लोग मानते हैं कि शेयर बाजार एक जुआ है, गैम्बल है। ये गैम्बल नहीं है तो क्या है? जुआ जो होता है वो बिल्कुल अलग तरह का गेम है, और जुआरी जो होता है उसका खेल का सिस्टम अलग है। जो जुआरी होता है वो अलग तरीके से खेलता है। आपको शायद मालूम होगा महाभारत के अंदर एक खेल हुआ था जिसको जुआ कहा जाता है, दो लोगों के बीच था, आपको पता होगा, शकुनी और युधिष्ठिर। एक तरफ युधिष्ठिर बैठे थे और एक तरफ शकुनी, जो पासे पे पासे चल रहे थे, और युधिष्ठिर दाव पे दाव हारे चले जा रहे थे, हारे चले जा रहे थे। इसको तो लोग जुआ कहते हैं, उसको तो जुआ ही कहा जाता है, क्योंकि उसमें और कुछ किया नहीं जा सकता। आपने लगा दिया और आप बैठ सकते हैं, आपने पासे चले और पासे में क्या नंबर आएगा आपके हाथ में नहीं है। हम उस खेल की बात कर रहे हैं जिसको जुआ कहा जाता है, उसमें भी आपको ये बात मालूम है कि सिर्फ एक प्लेयर जो था वो बार बार हार गया, और वो युधिष्ठिर था। और युधिष्ठिर और शकुनी जो उस खेल में जीत रहा था, उसने उस खेल को शुरू करने से पहले दुर्योधन को बोल दिया था कि हम ही जीतेंगे। अब आप सोचिए एक जुआरी जो जुआ खेलने जा रहा है वो इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है कि मैं ही जीतूंगा? इट मींस कि उस खेल में जिसको जुआ कहा जाता है, उन दो आदमियों में से सिर्फ एक आदमी जुआ खेल रहा था, वो था युधिष्ठिर। शकुनी एक्चुअली जुआ खेल ही नहीं रहा था। यानी शकुनी को हर बार अपना दाव पता था। शकुनी उस खेल का खिलाड़ी था। शकुनी ने अपनी पूरी जिंदगी लगाई थी उस खेल को सीखने में, उस खेल को खेलने में। वो अपने पासों की पूजा किया करता था जिनसे वो खेलता था। उसने अपने पासों को, अपने डाइस को ट्रेंड किया हुआ था। उसको मालूम था कि अगर मैं 5 बोलूंगा तो 5 ही आऊंगा। वो अंदाजे से काम नहीं कर रहा था,
वो किस्मत के भरोसे नहीं था, उसको पता था युधिष्ठिर के सामने मैं बैठ रहा हूँ, और युधिष्ठिर को भी लोगों ने बोल दिया था कि आप उसके सामने नहीं जीत पाएंगे, लेकिन युधिष्ठिर को क्या लगा, जैसे आम निवेशक को इस बाजार में लगता है कि अगर ये जुआ है तो कभी वो जीतेगा कभी मैं जीतूंगा, कभी मेरे जब खेल है, जब ये खेल ही है तो खेल में तो हार जीत होती रहेगी ना, इसीलिए उसने अपना आखिरी दाव अपनी जो बीवी थी उनकी उनको भी लगा दिया दाव पे, इसीलिए लगा दिया कि उनको ये था कि कभी तो ऐसा वक्त आएगा मैं जीतूंगा, कोई तो ऐसा दिन होगा कि जो मैं जीतूंगा। इस बाजार में भी निवेशक ऐसा ही करते हैं, वो हर बार स्टॉक लेते हैं ये सोच के कि शायद इस बार ये दिन मेरे नाम का होगा, शायद इस बार मैं स्टॉक लूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा, शायद मेरा पिछली बार जो लॉस हुआ मैं इस बार कवर कर लूंगा, शायद इस बार मैं जीत जाऊंगा, लेकिन वो शायद कभी आता नहीं। यानी सबसे पहला रूल जो है शेयर मार्केट का कि किस्मत नहीं चलाती शेयर मार्केट को, कुछ कायदे हैं, कुछ नियम हैं, कुछ कानून हैं, और उन्हें आप ही को एक्सप्लोर करना होगा। मैंने आपको ये बताया कि किस्मत तो जुआ भी नहीं चलाती है, हम यहाँ पर उस एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं जहाँ जुआ हो रहा था वहाँ भी किस्मत नहीं चल रही थी, वहाँ भी प्रैक्टिस चल रही थी, राइट। उस आदमी की प्रैक्टिस जो उस खेल का खिलाड़ी था उसकी प्रैक्टिस चल रही थी, और जो उस खेल का अनाड़ी था वो हार गया, वो ये सोचता रहा कि सामने वाला भी तो गेम खेल रहा है, वो भी तो जीत, मैं भी तो जीत सकता हूँ उसके सामने, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो सामने वाला खिलाड़ी है उस खेल का, आप उसके सामने नहीं जीत पाएंगे। इस बाजार में भी निवेशक जब आता है वो ये सोच के आता है कि मैं लूँगा तो मेरा स्टॉक ऊपर जाएगा, मैं बेचूंगा तो मेरा स्टॉक नहीं, लेकिन उसे ये नहीं पता जो यहाँ पर काम करने वाले इंटेलिजेंट लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनके सामने वो नहीं जीत पाएगा कभी भी, क्योंकि वो उस खेल के खिलाड़ी हैं, उन्हें समझ है, उन्हें रूल पता है, उन्हें सिस्टम पता है कहाँ लेना है कहाँ बेचना है। तो अब आप समझिए कि जिसको आप जुआ बोल रहे हैं, मैं आपको यहाँ वो बता रहा हूँ कि जुए में भी प्रैक्टिस चाहिए, और यहाँ लोग बिना नॉलेज के बिना प्रैक्टिस के सोचते हैं हमें पैसे मिल जाएंगे। और खिलाड़ी बनने के लिए तो खेल की समझ होनी बहुत ज़रूरी है, खेल की समझ होनी चाहिए, उसके नियम पता होने चाहिए, उसके रूल पता होने चाहिए, उसका सिस्टम पता होना चाहिए, और पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर वो खेल को सीखने का। यानी सुनील जी आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि एक खिलाड़ी बनने के लिए, शेयर मार्केट का खिलाड़ी बनने के लिए सबसे पहले खेल को समझना जरूरी है। तो आखिर ये खेल क्या है, ये सिस्टम क्या है जिसकी आप बात कर रहे हैं? हमारा मानना हमेशा से ये रहा है और हमारा कहना ये रहा है कि ये जुआरियों के लिए नहीं है ये बिजनेस, ये एक्चुअली चोरों के लिए है ये बिजनेस, चोरों के लिए बिजनेस है, चोरों की ये कला है। ये चोरों की कला क्या है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सा पॉइंट यहाँ जरूर सुनील जी ने यहाँ छेड़ दिया, लेकिन इस पॉइंट को भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं बाजार शास्त्र और मेरे साथ सुनील जी बने हुए हैं। सुनील जी अभी ब्रेक से पहले आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि ये चोरों की कला, यानी क्या शेयर बाजार में पैसा लगाना ही चोरों की कला? शेयर बाजार में पैसा लगाना चोरों की कला नहीं है, शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना चोरों की कला है। और चोरों की कला कहने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ कोई चोरी होती है, चोर जैसा आप जानते हैं चोर की एक आर्ट होती है, चोर एक अपने आप में एक पूरा कलाकार होता है, वो अपनी पूरी चोरी को प्लान करके चलता है, वो किस्मत के भरोसे काम नहीं करता एक्चुअली, वो लक के भरोसे काम नहीं करता, उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है, वो कहता है किस्मत में जो लिखा हो पहले मैं अपना काम करूँगा जी। इसीलिए हम कहते हैं ये चोरी की कला है। चोर जिस तरीके से काम करता है ट्रेडिंग में, हम लोग बिल्कुल उसी स्टेप्स को फॉलो करते हैं एक्चुअली, तभी हम कहते हैं ये चोर की कला है। चोर के अगर आप स्टेप देखेंगे, चोर चोरी कैसे करता है, मैं आपसे पूछता हूँ चोर चोरी कैसे करता है? शेयर बाजार में ट्रेडिंग हम ये नहीं करें चोरी का काम है, लेकिन चोर कैसे स्ट्रैटेजी बनाता है उसे अपनाइए। यानी सबसे पहले वो प्लानिंग करेगा कि कौन से घर में दाव लगाना है। चोर सबसे पहले जगह डिसाइड करता है कि कहाँ चोरी करनी है, किस जगह मुझे जाना है ताकि मुझे वहाँ कुछ मिले। नंबर वन उसका स्टेप रहता है, पहले वो जगह डिसाइड करता है कि हाँ यहाँ पे मुझे चोरी करना है। नंबर टू उसका स्टेप रहता है कि वो पूरी एनालिसिस करता है उस घर के बारे में, उस जगह के बारे में, कि कौन रहता है, कितने लोग रहते हैं, कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, जाते कितने बजे हैं, आते कितने बजे हैं, कितने बजे तक कोई नहीं होता घर में, घर खाली होता है, पूरा हिसाब लगाता है। एक दिन एक घंटा चोरी करने से पहले चोर एक हफ्ते की पूरी प्लानिंग करता है, पूरी उस घर की पूरी रेखी करता है, पूरा ध्यान रखता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, हर चीज़ को पूरा नोट करके रखता है। तीसरा स्टेप आता है उसका, वो रिस्क रिवॉर्ड का हिसाब लगाता है, वो ये हिसाब लगाता है कि मैं यहाँ घर में चोरी करने जाऊँगा मुझे क्या मिलेगा अंदर,
मैं चोरी करने जाता हूँ, मुझे पता चले 2000 रुपये मिले अंदर, कुछ हो ही ना घर में जाऊँ तो, मैं अगर किसी के घर में इतनी मेहनत करके जा रहा हूँ, मुझे अंदर क्या मिलने वाला है। चौथा स्टेप, तीन स्टेप उसके होने का, चौथा स्टेप वो टाइम डिसाइड करता है कि हाँ मुझे इस दिन चोरी करने जाना है। पाँचवा स्टेप, वो दो आदमी चोरी करने जाते हैं, एक आदमी बाहर खड़ा रहता है, एक आदमी अंदर जाता है चोरी करने। वो जो एक आदमी बाहर खड़ा है एक्चुअली वो स्टॉप लॉस है, वो स्टॉप लॉस के तरीके से उसको बाहर लगा के जाता है। इतनी एनालिसिस करने के बाद चोर ये मान के नहीं चलता कि जो मेरी एनालिसिस है बिल्कुल फुल प्रूफ है, वो ये मान के चलता है कि सर्कमस्टांसिस किसी भी समय चेंज हो सकते हैं, सिचुएशन किसी भी समय बदल सकती है, सब कुछ किस्मत के भरोसे नहीं है। कि अपनी एनालिसिस तो कर ली लेकिन बाकी सब कुछ किस्मत के भरोसे छोड़ दिया, नहीं। उस दिन भी वो चोरी करने वाले दिन भी वो एक आदमी को साथ लेके जाता है, उसको बाहर खड़ा रखता है, उसको बोल के जाता है कि कोई भी तकलीफ लगे, कोई भी दिक्कत लगे मुझे बता देना, मैं बाहर आ जाऊंगा। दिल जितना भी चाहे पीछे मत मुड़िएगा। कौन है? इंटरपोल ऑफिसर्स रोमान मलिक। जितनी जल्दी हो सके निकल लीजिए वहां से। थैंक यू। थैंक यू। ही विल सी यू नाउ ऑन द फोर्थ फ्लोर। थैंक यू वेरी मच। तो यानी जब आप ये एक एक करके स्टेप्स बता रहे हैं हमें, एक चोर की कला बता रहे हो, तो मैं शेयर मार्केट को रिलेट कर रही हूँ। पहला स्टेप आपका यही रहा कि आपने एक घर तलाश किया, कहाँ दाव लगाना है, मतलब स्टॉक ढूंढा। पहला आपने स्टेप यूज किया, आपने स्टॉक ढूंढा कि मुझे यहाँ पे इस स्टॉक को बाय या सेल करना है, नंबर वन। नंबर टू, आपने पूरा एनालिसिस किया उसका, उसके कि वो स्टॉक कहाँ से है, कहाँ से आया है, कहाँ जाना है उसने। चाहे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, चाहे फंडामेंटल करते हैं, कोई भी रिसर्च रहेगा आपका, आप करते हैं उसके बारे में। नंबर थ्री स्टेप, उस स्टॉक को लेने से पहले रिस्क रिवॉर्ड का हिसाब लगाते हैं कि आज अगर मैं यहाँ ये स्टॉक ले रहा हूँ तो मुझे इसमें 100 रुपये मिलने वाले हैं, 200 रुपये मिलने वाले हैं, 500 रुपये मिलने वाले हैं, और मेरा रिस्क कितना रहेगा। अगर ये स्टॉक मेरे हिसाब से नहीं चला, मैं बाय कर रहा हूँ और ये नीचे आ गया, तो मुझे कितना लॉस देना पड़ सकता है इसके अंदर, तो मेरा रिस्क कितना है और मुझे रिवॉर्ड कितना आने वाला है। नंबर फोर स्टेप, टाइम डिसाइड करने का मतलब कि किस प्राइस पे मैं लेना चाहता हूँ स्टॉक को, वो मेरा प्राइस क्या रहेगा। अभी 1150 चल रहा है तो मैं 1100 में लेना चाहता हूँ या 1150 भी ठीक है, उसको बोलते हैं हम टाइम डिसाइड करना। नंबर फोर स्टेप, स्टॉप लॉस लगाना कि अगर मैंने वो स्टॉक ले लिया तो मेरा रिस्क मैं पहले काउंट करके चल रहा हूँ कि मुझे 50 रुपये देने हैं तो ये मेरा स्टॉप लॉस है। मेरा एनालिसिस कितना भी स्ट्रांग रहेगा, मेरे को कितना भी कुछ पता रहेगा, मेरे को सब मालूम है, लेकिन मैं फिर भी स्टॉप लॉस जरूर लगाऊंगा। वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल सुनील जी, यानी इंडीड मतलब रियल लाइफ में जो एक सिनेरियो है, चोर किस तरह से एक एक करके स्टेप लेता है, वो बिल्कुल स्टॉक मार्केट पे एप्लीकेबल होते हैं। हर बिजनेस में सेम रूल होते हैं, तो हम लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं स्टॉक मार्केट में रूल्स लगाना। लोग इसको बिजनेस मानते नहीं है ना, एक्चुअली लोग इसको बिजनेस मानते ही नहीं है। आप किसी भी आदमी से बात करके देखिए, वो सीधा ही आपको बोलेगा सर यहाँ पर जुआ होता है। क्या रूल्स हैं कुछ इस गेम के? बिल्कुल रूल्स होंगे, हम रूल्स बताएंगे, हम रूल्स पे ही बातें करेंगे आगे कि क्या रूल्स हो सकते हैं। पहले तो बेसिक सुधारना बहुत जरूरी है लोगों का, उनको ये बेसिक समझ नहीं है कि मार्केट को ट्रीटमेंट कैसे देना है। साफ तौर पर सुनील जी आप ये बोल रहे हो कि ये एक साइकोलॉजी है, हमारी सोच है जो गलत है मार्केट्स को लेकर। शेयर बाजार में एक ही सोच चलती है कि इसे एक बिजनेस की तरह ट्रीट किया जाए और जुए की तरह नहीं। देखिए जहां पर भी आप पैसा कमाना चाहते हैं वहां पे सोच यही चलेगा कि आपको उसको कम से कम बिजनेस मानना पड़ेगा। आप इसको बिजनेस मानेंगे तभी आप ये समझ पाएंगे कि यहाँ पर कुछ नियम मानने होते हैं। कुछ नियम होंगे इस खेल के भी या फिर इस कारोबार के भी, इस बिजनेस के भी, और ये नियम क्या होंगे इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन अगर इस पूरे शो का निचोड़ देखा जाए, बाजार शास्त्र में हम कोशिश सिर्फ यही कर रहे हैं जाने की कि शेयर बाजार में अगर आप उतरना चाहते हैं, इसमें मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम आपको अपनी सोच को बदलना होगा। ये सोच बदलनी होगी कि एक जुआ है जहाँ मैं आँख बंद करके पैसा लगाऊंगा और मुनाफा लेकर ही वापस आऊंगा। सोच ये होनी चाहिए कि एक कारोबार है, पैसा भी लगेगा, लॉस भी होगा और कुछ नियम कानून भी होंगे। क्या होंगे ये नियम कानून, इसी पर चर्चा होगी लेकिन अगले एपिसोड में। इस मार्केट में लोग हर बॉल पे छक्का मारने की कोशिश करते हैं, वो सोचते हैं हर स्टॉक में मुझे 20% मिल जाए, ऐसा नहीं होता। जो प्रोफेशनल प्लेयर है उसे कोच चाहिए, चाहे सचिन तेंदुलकर अपने कोच से अच्छा खेलता होगा लेकिन फिर भी उसे